शेरोस, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में, हम इसमें 4 बेसिस को सॉल्व करेंगे, बेस 2, बेस 5, बेस 8 और बेस 16 को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, ये डिफाइन द बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ नंबर्स, राइट फर्स्ट 8 नंबर इन बाइनरी सिस्टम। पहले तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की जो है डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको 8 नंबर लिखने शुरू के बाइनरी सिस्टम के। तो डेफिनेशन है मेरे पास, अ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय टू डिजिट 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। इट इज आल्सो नोन एज अ नंबर सिस्टम विद बेस 2। अब ये कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो दो डिजिट यूज होते हैं 0 और 1, उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, और इसको नंबर सिस्टम को बेस 2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाइनरी नंबर को हम यहां पर बेस 2 से भी पहचानेंगे। अब इन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट 8 नंबर इन बाइनरी सिस्टम। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो शुरू के नंबर आएंगे बाइनरी नंबर में 8, वो ये 0, ये देखिए हमने बेस 2 लगा दी, 1 बेस 2, 11 बेस 2, 100 बेस 2, 101 बेस 2, 110 बेस 2, 111 बेस 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन नंबर सिस्टम विद बेस 5, राइट फर्स्ट 12 इन बेस 5 सिस्टम। यहां पर जो है आपको बेस 5 जो है नंबर सिस्टम है उसको डिफाइन करना है, और शुरू के जो है 12 जो है आपने बेस 5 सिस्टम के नंबर भी लिखने हैं। आंसर, अ सिस्टम ऑफ नंबर इन विच ओनली 5 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 आर यूज्ड इज कॉल्ड नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब ये कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो है 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे जो है हमारी कौन सी बेस कहलाती है, 5 बेस सिस्टम के अंदर आते हैं। अब शुरू के जो उन्होंने कहा था हमें कि 12 नंबर लिखने हैं बेस 5 के, वो ये है 0 बेस 5, 1 बेस 5, 2 बेस 5, 3 बेस 5, 4 बेस 5, 10 बेस 5, 11 बेस 5, 12 बेस 5, 13 बेस 5, 14 बेस 5, 20 बेस 5, 21 बेस 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट फर्स्ट 16 नंबर्स इन दिस सिस्टम। अब आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, और शुरू के 16 जो है नंबर्स आपने लिखने हैं जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं। आंसर, पहले तो हमने डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, अ सिस्टम ऑफ नंबर्स इन विच ओनली 8 डिजिट्स। इस नंबर सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास 8 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे जो है इस्तेमाल होते हैं हमारे पास 8 बेस नंबर सिस्टम यानी के ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट 16 नंबर्स इन बेस 8 सिस्टम। अब आपको जो है शुरू के 16 जो है वो ऑक्टल नंबर लिखने हैं यहाँ पर, 0 8 बेस, 1 8 बेस, 2 8 बेस, 3 8 बेस, 4 8 बेस, 5 8 बेस, 6 8 बेस, 7 8 बेस, 10 8 बेस, 11 8 बेस, 12 8 बेस, 13 8 बेस, 14 8 बेस, 15 8 बेस, 16 8 बेस, 17 8 बेस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन सम एग्जांपल्स। अब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, और जो है चंद एग्जांपल्स आपने देनी है डेसिमल नंबर सिस्टम की। आंसर, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम की, अ सिस्टम ऑफ नंबर्स इन विच 10 डिजिट्स। इस नंबर सिस्टम में जो है 10 डिजिट्स होते हैं, वो कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमने लिखी है वो दो एग्जांपल लिख दी यहाँ पर, 58 एंड 46।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए बाद में जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 2। अब आपको यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया गया है जिसे आपने पावर ऑफ 2 से जो है मल्टीपल्स करके उसका सम कराना है। पार्ट 1 है 11। सॉल्यूशन सम में पहले हम इस डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी में इसको हम क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। बाइनरी की जो बेस होती है वो हमारी 2 होती है, ठीक है। 2 5 10, 11 माइनस 10 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 2 4, 5 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ लिख देंगे हम। 2 1 2, 2 में 2 जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 रहेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1 0 1 1, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अभी डेसिमल नंबर 11 जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारे पास बाइनरी नंबर में 1 0 1 1। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीपल्स ऑफ पावर 2 कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारी देखें पावर आ गई 2 की। सब में इन सब नंबर के अंदर आपने पावर 2 लिख दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर पावर लिख देंगे नॉट 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 सॉल्व करो। पार्ट 2 पर आए थे, हमें जो नंबर दिया गया वो 15 दिया गया है, ये भी आपका डेसिमल नंबर है। पहले इसे आप बाइनरी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन 15, 2 7 40 होते हैं, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, देखिए बाइनर 1 आ गया। 2 3 6, 7 माइनस 6 कर दें तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। 2 1 2, 3 माइनस 2 कर दें तो रिमाइंडर आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखें आपको कितने 1 आ गए आपके, 4, तो देखिए मैंने 4 1 यहाँ लिख दिया। अब इन 1 के साथ जो है मैं क्या करूंगा, पावर ऑफ 2 जो है उसको लिखूंगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सम कह रहे हैं तो सब में आपने प्लस भी लगाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, नॉट 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 भी आपका सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 29। सॉल्यूशन, इसको भी हम जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी पहले कन्वर्ट करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, रिमाइंडर 1। 2 7 14, रिमाइंडर 0। 2 3 6, रिमाइंडर 1। 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए 1 1 1 0 1, ये आपके नंबर थे, मैंने यहां पर लिख दिए। फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करेंगे, नॉट 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 4 का आया था जिसमें डेसिमल नंबर जो दिया गया है 37 दिया गया है। सॉल्यूशन 37, 2 1 2, 1 इसके पास चले गए, हो गए 72 16, रिमाइंडर 1। 2 9 18, रिमाइंडर 0। 2 4 8, रिमाइंडर 1। 2 2 4, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 0। अब ये वाली वैल्यू जो है मैं यहां पर ले लूंगी 1 0 1 0 1। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इस पे क्या लिख देंगे, नॉट 1 2 3 4 5, ये हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। आइए इसके बाद के पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 51। इसमें जो डेसिमल नंबर हमें दिया गया 51 दिया गया, पहले हम इससे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 51, 2 2 4 1 2 5 10, रिमाइंडर 1। 2 2 1 2, 2 2 4, रिमाइंडर 1। 2 6 12, रिमाइंडर 0। 2 3 6, रिमाइंडर 0। 2 1 2, रिमाइंडर 1। 1 1 0 0 1 1, ये आपके नंबर थे, मैंने यहाँ लिख लिए। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इस पर हम क्या लिख देंगे, नॉट 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 6 पे आया था 63। इसमें डेसिमल नंबर हमें दिया गया 63 दिया गया है, पहले से हम क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। 2 3 6, 2 1 2, रिमाइंडर 1। 2 1 2, 2 5 10, रिमाइंडर 1। 2 7 14, रिमाइंडर 1। 2 3 6, रिमाइंडर 1। 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब यहां पर देखें आपके पास 6 1 आ गए, ठीक है, इन 6 1 को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको हमने इस तरीके से लिखना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, नॉट 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 5। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर
5 की तरह है, बस यहाँ पर आपको अब जो यूज करनी होगी वो पावर 5 यूज करनी है। वहां पर आप 2 यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पावर 5 यूज करेंगे। पार्ट 1 है 13, यहाँ पर जो हमें नंबर दिया गया 13 दिया गया है, डेसिमल नंबर है, इसको भी आपने पहले कन्वर्ट कर लेना है 5 से, ठीक है। तो हम कन्वर्ट करते हैं 5 टू 10, रिमाइंडर 3, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई 23, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें 5 बेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, वहां पे क्या लिख रहे थे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह यहां पर 5 यूज करेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, उसी तरीके से लिखेंगे नॉट 1, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 1 है 24 सॉल्यूशन, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 5 4 20, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 4, तो अब क्या बन गया नंबर 44 बन गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इस पे क्या आएगा नॉट 1, ये इसका आंसर हो गया। आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 39, इससे भी आप कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये भी डेसिमल नंबर है, पावर 5 बेस में से कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 39, 5 से इधर 35, रिमाइंडर 4 आएगा, 5 का मतलब 5, रिमाइंडर 1, आपके पास आएगा 114, इसको हम किसमें लिखेंगे, पावर 5 पे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इस पर लिखेंगे नॉट 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 47 सॉल्यूशन, ये भी आपके पास जो है 47 भी आपके पास डेसिमल नंबर है, इससे आप कन्वर्ट करेंगे इसमें बेस 5 के अंदर, 5 9 का 45, 47 माइनस कर देंगे 45 को, रिमाइंडर 2, 5 1 का 5, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये होगा 142, इसको हम बेस 5 लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, नॉट 1 2, ये इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 8, ये भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 5 की तरह है। यहाँ पर जो है पावर आपको 8 यूज करनी है, यहाँ पर भी आपको डेसिमल नंबर दिए जाएंगे। पार्ट 1 है 30, ये आपके पास क्या है डेसिमल नंबर है, पहले तो आप इसे जो है ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे, यानी कि पावर ऑफ 8 के अंदर इसको तब्दील करेंगे। सॉल्यूशन 30, 8 के टेबल में जो है हमारे पास 30 नहीं आता, तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36। तो अब इसको हम पावर ऑफ 8 में कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर क्या लिखेंगे नॉट 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 है आपका 57, ये भी डेसिमल नंबर है आपका, इसे आप जो है पहले क्या करेंगे तब्दील करेंगे किसमें, पावर ऑफ 8 यानी कि ऑक्टल नंबर में, तो हम तब्दील करते हैं। सॉल्यूशन 57, 8 के टेबल में 57 नहीं आता, 56 आता है, एट 7 था 56, रिमाइंडर 1, तो ये हो गया आपका 71। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर क्या लिख देंगे नॉट 1, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद के जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 78 भी आपका डेसिमल नंबर है, पहले इसे हम ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। सॉल्यूशन 78, 8 9 था 72, रिमाइंडर 6, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1, तो आपके पास आएगा 116 यानी 116, इसको हम ऑक्टल में कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे नॉट 1 2, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 4 पर आए थे 114 सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर से, ठीक है 114। आप देखें 8 1 जा 8, 11 माइनस 8 कर देंगे 3, फिर हमारे इसके बाद 4 के बाद चले जाएगा, बन जाएगा 34, 8 4 था 32, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 8 1 था 8, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 162। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे नॉट 1 2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट और हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10, यहाँ पर जो है आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा जिसे आप पावर ऑफ 10 से ही क्या करेंगे तब्दील करेंगे, बेस 10 के हिसाब से आपने करना है। अभी जितने भी हम क्वेश्चन करते हुए आए उसके अंदर में जो नंबर दिए गए थे डेसिमल नंबर दिए गए थे, किसी को ऑक्टल में करना था तो किसी को बाइनरी में करना था, किसी को 5 बेस में कन्वर्ट करना था,
तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आपके पास डेसिमल नंबर जो है कन्वर्ट हुआ है डेसिमल के अंदर ही, तो हम इसको इजीली जो है लिख सकते हैं सॉल्यूशन 201। ठीक है, अब इन सबके साथ जो है आपने पावर 10 को जो है वो मल्टीपल कराना है। ठीक है, 2 के साथ मैंने 10 को मल्टीपल कराया, सम था प्लस, 0 को मैंने 10 के साथ मल्टीपल कराया, प्लस 1 को मैंने 10 के साथ मल्टीपल कराया, नॉट 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 को देखें, 390 सॉल्यूशन, ये भी आपका डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट है, तो 3 के साथ 10 को मल्टीपल कराया, 1 के साथ 10 को, फिर 9 के साथ हमने 10 को मल्टीपल कराया, नॉट 1 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है वो है 4075 सॉल्यूशन, 4 को 10 से मल्टीपल प्लस 0 को 10 से मल्टीपल, 7 को 10 से मल्टीपल प्लस 5 को 10 से मल्टीपल, फिर इनको पर लिख देंगे हम नॉट 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 है 56970 सॉल्यूशन, ये भी आपका डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10, इन पे हम लिख देंगे पावर्स नॉट 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हुआ, और हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हमारी कंप्लीट हुई। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।